शंकर मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हम आए ताकि दिलेर पाजी से हम अपना गाना रिकॉर्ड करवा सकें और ये मेरी नई फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। टाइटल अभी थोड़ा छुपा के रखते हैं ताकि बट आप बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने रवि जी ने मेरे को बात फोन पे मेरे साथ बात की और नवराज आप सारे नहीं जानते मेरे सन लीला है और उन्होंने कहा कि पाजी आपसे एक गाना करवाना चाहते हैं, मेरे दोस्त हैं रवि जी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कोई गाना करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे गाना पहले भेजो गाना, तो रवि ने गाना भेजा। गाना सुनते ही मुझे ये लगा कि ये गाना मेरे हाथ से जाननी चाहिए और ये इतना बताना चाहता हूँ कि इंडिया में हर गली कूचे में ये गाना ऐसे बजेगा जैसे कि एक मेरा रंग दे बसंती चोला होता है ना, ऐसा ये गाना होगा। और मैं कहता हूँ कि बच्चों के कण कण में ये गाना समा जाएगा और मुझे इतनी खुशी ये गाना गाकर। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रवि जी का, करण जी का, हमारे प्रोड्यूसर साहब का कि जिन्होंने मुझे चूज़ किया कि मेरी आवाज़ होनी चाहिए और वाकई ही मेरी आवाज़ में होनी चाहिए थी। तो ये बहुत ही मजा आने वाला है और आप देखेंगे गाना सर चढ़ के बोलेगा। रवि जी क्या बात थी कि जो आपने दिलेर सर को चुना वो कुछ गाने के? मैं बहुत खुशी हूँ बिकॉज दिलेर महेंदी पाजी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स इन इंडिया, बिकॉज मेरा बचपन से मैं कब प्रोग्राम्स में आया था पाजी का गाना मैं बहुत बजा के ये बीट मुझे पाजी अभी गाएगा तो ये गाना के लिए एक अच्छा फायदा, बिकॉज पाजी इज द इंटरनेशनल एंड इंडियन बिग सिंगर। इसीलिए मैं नवराज पाजी को मैं पूछा था, नवराज पाजी इमीडिएटली मेरा ऑफर ओके किया था, इमीडिएटली पाजी से बात किया, इमीडिएटली 2 or 3 seconds में मुझे फोन आया था पाजी को आप बात करो, मुझे मैं डर गया बहुत बिकॉज दलेर महेंदी पाजी से बात करना इतना थोड़ा मुश्किल है मुझे। बट पाजी ने ओके शंकर आप पहले गाना भेज दो, मैं गाना भेज दिया मगर पाजी का क्या रिजल्ट आएगा, गाएगा नहीं गाएगा मुझे भी वही डर है, मगर दलेर पाजी ने बहुत अच्छा गाना है मैं करूंगा बोला तो देन मुझे पावर एंड एनर्जी आ गया, उससे ज्यादा आज पाजी ने गाया। मैं और ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज मेरे लाइफ में बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा दिन है पाजी। थैंक यू रवि जी, क्योंकि ये गाना ये ऐसा गाना है कि ये मेरी देश का गाना है, देश की शान के लिए है, देश की जान के लिए, और ऐसा गाना है कि रग रग में बच्चों को इतना जोश भरेगा कि आप देखें कि नया भारत कहीं और पहुंच जाएगा इस गाने के बाद। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं करण साहब का भी, और मैं इनका फैन हूं, मैं फैन हूं इनका क्योंकि सारी दुनिया फैन है इनको, हर लोग। तो आज मेरी खुशनसीबी है कि हमारे यहां पे आए हैं और इन्होंने गाने को भी प्रूव किया और गाना सामने बैठ के डब कराया और कुछ लाइनें जहां मुझे समझ नहीं आ रही तो मुझे गा के भी बताते कि ऐसे ऐसे गाना है, तो ये बड़ा मजा आया मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। पाजी को इतना मैं नहीं बोल सकता हूँ बट पाजी वो ले लिया दैट इज वेरी ग्रेट थिंग, बिकॉज ऑलरेडी ही प्रूव्ड एंड ही सक्सेडेड ग्रेट इवन आल्सो दैट इज द थिंग ऑफ मैं दिस इज नॉट ए वर्ड्स एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूँ।